अस्सलाम वालेकुम जी। आज बेसिकली हम जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो है वो बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एचआर डिपार्टमेंट की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अंदर जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो बनाना भी होती है। मिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं और वो जिस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे होते हैं उन सब की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो बनाना बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट की जो है वो जिम्मेदारी होती है। बेसिकली कुछ लोगों को जो है वो JDs जो है वो डेवलप करने में जो है प्रॉब्लम होती है, तो उनके हवाले से जो है मैंने कुछ जो है वो वेबसाइट जो है फाइंड आउट की है जिसके थ्रू जो है उनको काफ़ी जो है वो हेल्प जो है मिल सकती है। इसके अंदर जो फर्स्ट वेबसाइट है बेसिकली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ये तीनों वेबसाइट्स के जो है वो लिंक जो है अवेलेबल होंगे। इसको वन बाय वन जो है आप जो है वो जो है वो क्लिक कर दीजिए करके मीन्स ओपन कर लीजिएगा। मीन्स ओपन करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट्स जो है तकरीबन हर पोजीशन के जो कि मेजर मेजर जो पोजीशंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो HR से रिलेटेड हो, एडमिन से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, उनकी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो मीन्स मिल जाएगी। और उसमें मीन्स आपको जो है कम से कम काफ़ी जो है आपकी हेल्प हो जाएगी। बेसिकली उसके अंदर जो है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है किसी भी पोजीशन की वो सारी जो है इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अब इसमें सिर्फ आपको ये करना होगा कि मीन्स आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट या जो एम्प्लॉय जिस पोजीशन पर काम कर रहा है उसके हिसाब से जो है वो अपनी JDs को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा और आपकी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। पहली वेबसाइट हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर जो है बेसिकली 500+ जो है वो टेम्पलेट्स जो है अवेलेबल है। इसमें पहले जो है वो अकाउंटिंग की जो है जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट्स अवेलेबल है। इसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो आपको टेम्पलेट्स और JDs जो है अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरीके से जो है वो कस्टमर सर्विसेज CSR जिसको हम कहते हैं उनकी जो है वो आपको जो है यहाँ पे JDs जो है अवेलेबल होंगी। इसी हिसाब से जो है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जो पोजिशंस होती हैं उसके हिसाब से भी जो है वो यहाँ पे जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है मौजूद है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी जो है वहाँ पे यहाँ पर जो है वो मीन्स की जॉब डिस्क्रिप्शन के टेम्पलेट जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा फाइनेंस की है, उससे पहले मैंने आपका अकाउंटिंग की बताया था। इसी तरीके से जो है वो मेडिकल या हेल्थ केयर की जो है मीन्स के जो आपकी जो मीन्स के जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उससे वहाँ पर जो जो पोजिशंस होती हैं उनकी भी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन इस वेबसाइट पे मौजूद है। इसके अलावा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की HR डिपार्टमेंट की जो है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरीके से जो है वो IT डिपार्टमेंट के अंदर मीन्स के उसके अंदर सॉफ्टवेयर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग ईच एंड एवरी थिंग हर किस्म की जो है वो आपको जो है जॉब डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और पब्लिक रिलेशन है। इसके अलावा बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इस वेबसाइट पे जो है जो भी मेजर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन जो नॉर्मली कंपनीज के अंदर होती है उसके जो है वो टेम्पलेट जो है वो अवेलेबल होते हैं। इसको वन बाय वन जो है कुछ जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक भी कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है किस तरीके से जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है स्पेसिफाई की गई है। जैसे फर्स्ट जो है मैं जो है वो देख लेता हूँ अकाउंटिंग के अंदर जो है वो एक असिस्टेंट अकाउंटेंट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन है तो हम देख लेते हैं उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उसकी जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर ये होता है कि बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है मीन्स की जो पोजीशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसकी जो है उसके हवाले से जो है थोड़ा सा गाइड किया जाता है कि मैं इसे किसी कंपनी के अंदर जो है एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो है क्या जो है वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उस पोजीशन के। अब जैसे यहाँ पे जो है वो इसकी जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो लिखी हुई है असिस्टेंट अकाउंटेंट की और इसी हिसाब से जो है फिर वो क्वालिफिकेशन वगैरह का है और इसके अलावा स्किल्स का है कि मीन्स के इस पोजीशन के लिए जो है मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसके अलावा जो है इस पोजीशन के लिए जो है क्या स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ये जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो है वो मैंने आपको यहाँ पे शो की है। इसी तरीके से जो है वो हम बेसिकली अब एडमिन डिपार्टमेंट की देख लेते हैं। सपोज करें कोई एडमिन मैनेजर की पोजीशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसकी जो है वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उसकी पोजीशन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे और उसकी जो है वो इनको क्या स्किल्स और क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जो है इस वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैनेजर की जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसकी जो है वो नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए इस पोजीशन के लिए, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई है। इसी हिसाब से अब और देख लेते हैं। जैसे एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो डेटा एंट्री क्लर्क हो गया और इसके अलावा जो है वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है और इसके अलावा जो है बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर
कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, मैनेजमेंट ट्रेनी, एडमिन ऑफिसर, और इसके अलावा जो है पर्सनल असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट वगैरह। मीन्स कहने का मकसद है कि एडमिन के अंदर जो जो पोजीशंस होती हैं उन सबकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे मौजूद है। इसी हिसाब से जो है CSR कॉल सेंटर का, अगर किसी का जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे क्या क्या जो है वो पोजीशंस होती है, जैसे कॉल सेंटर मैनेजर होता है, कंप्यूटर टेक्नीशियन होता है, कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव होता है, इनकी सारी जो है वो आपको जो है इसके अंदर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन जो है मौजूद होगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि किसी टीचर की अगर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको देखती है, या मॉन्टेसरी टीचर की आपको जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको देखनी है कि उसकी क्या होती है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, किसी ट्रेनिंग मैनेजर की जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो यहाँ पर आपको मैंशन हो रही अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरीके से जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, और इसके अलावा जो है वो ऑडियो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, इलेक्ट्रीशियन है। मीन्स कहने का मकसद है कि इस वेबसाइट पर आपको तकरीबन तमाम पोजीशंस की जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको मिल जाएगी, जो कि आपके जो है वो मीन्स आपके बीइंग HR प्रोफेशनल आपकी जो है वो काफ़ी उसमें जो है वो आपकी हेल्प हो जाएगी। इसी हिसाब से जो है वो हम देख लेते हैं कि हेल्थ केयर के अंदर मीन्स किसी हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो क्या क्या जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, नर्स है, हॉस्पिटल नर्स है, और बेसिकली मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, ये सारी पोजीशंस जो है बेसिकली हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर होती है, तो उसकी भी जो है यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है। इसके अलावा हम देख लेते हैं HR के अंदर, जैसे HR के अंदर जो है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट स्पेशलिस्ट हम देख लेते हैं उसकी क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इसके अलावा HR ऑफिसर की जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एक HR मैनेजर की जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रिक्रूटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रिक्रूटमेंट मैनेजर हो गया, एक किसी पेरोल ऑफिसर की जो है क्या पोजीशन होती है, HR बिजनेस पार्टनर आजकल बहुत मशहूर है, उसकी क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रिक्रूटमेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट है, काफ़ी जो है आजकल ये पोजीशन बड़ी फेमस है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स की जो है वो आपको यहाँ पे जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसी तरीके से इस पोजीशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे जो है मौजूद है। इसके अलावा HR ऑफिसर की भी जो है यहाँ पे जो है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपको यहाँ पे जो है मेंशन की गई है। इसके अलावा इनकी क्या इस पोजीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से HR मैनेजर की जो है वो उसकी जो है क्या ऑब्जेक्टिव होता है इस पोजीशन का, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और इसके अलावा जो है क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इस पोजीशन के लिए ज़रूरी है। एक रिक्रूटर के लिए जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसकी जो है रिक्वायरमेंट क्या होती है, मीन्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई है। एक पेरोल ऑफिसर या पेरोल एग्जीक्यूटिव जो कि पेरोल जो है वो कंपनी का जो है रन करता है, उसकी जो है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसकी क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसलिए HR बिजनेस पार्टनर की मैंने आपको बात करी है, वो टर्मिनोलॉजी काफ़ी फेमस है इस वक्त, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम उसकी, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उस पोजीशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसकी क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ जो है इस वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल है। इसी तरीके से IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। IT के अंदर जो जो पोजीशंस होती हैं उसकी जो है सारी JDs जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड मीन्स के मार्केटिंग मैनेजर हो गया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, इसके अलावा मार्केटिंग के अंदर जो जो पोजीशंस होती है, जो जो मीन्स उनकी क्या क्या जो है वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या उस पोजीशन की जो है रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ये बेसिकली कहने वस्ते हैं कि आपको बहुत अच्छा जो है यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। बस करना आपको ये होगा कि मीन्स आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ के हिसाब से जो है वो आपको JDs को जो है मॉडिफाई करना होगा, और उसको फिर आप इन चीज़ों को जो है वो ईजिली जो है बना सकते हैं। इसके अलावा एक और दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पर भी जो है बेसिकली सेम जो मैंने आपको फर्स्ट वेबसाइट पर बताया था, यहाँ पर भी जो है अकाउंटिंग की जो है वो सारी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन जो है मौजूद है। जैसे पेरोल अकाउंटेंट का हम देख लेते हैं, पेरोल अकाउंटेंट की जो है वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स उसकी इस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर जो है अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरीके से बजट मैनेजर हो गया, बैलेंस एनालिस्ट हो गया, टैक्स अकाउंटेंट हो गया, और इसी तरीके से जो है अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटर जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है मौजूद है। बेलिंग स्पेशलिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, बुक कीपर की मिल जाएगी आपको, इसी तरीके से अकाउंटेंट की एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फाइनेंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर की है, इसी हिसाब से जो है फाइनेंशियल अकाउंटेंट की, एक्सटर्नल ऑडिटर की, फाइनेंशियल प्लानर की, ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर की,
CFO की, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस की, इसी तरीके से जो है वो ट्रेजरी की जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का देखें तो एडमिन मैनेजर हो गया, इसी हिसाब से जो है वो और भी सारी काफ़ी जो है यहाँ पे जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है इस वेबसाइट पे भी। इसको भी है वन बाय वन जो है वो आप देख सकते हैं। एडमिन ऑफिसर की जो है वो यहाँ पे JD जो है अवेलेबल है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो पोजीशन है, COO की है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, CEO की जो है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। इसी तरीके से जो है वो IT डिपार्टमेंट को भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो है क्लाउड इंजीनियर है, क्वालिटी एनालिस्ट है, कंप्यूटर साइंस की जॉब डिस्क्रिप्शन है, बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर की, IT ऑपरेशन मैनेजर की, और इसी तरीके से जो है वो IT एनालिस्ट की, IT डायरेक्टर की, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, IT कंसल्टेंट की, यहाँ से आपको जो है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आपको तकरीबन तमाम पोजीशन की जो है वो बेसिक जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। एक कॉल सेंटर अगर कोई रन कर रहा है तो वहाँ पर क्या क्या पोजीशन होती हैं, उन सबकी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से जो है कोई अगर स्कूल इंडस्ट्री में है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर है, तो वहाँ पे क्या क्या पोजीशन होती है, प्रिंसिपल की है, ट्यूटर की है, स्कूल बस ड्राइवर की है, रजिस्ट्रार मीन्स एडमिशन डिपार्टमेंट की है, इसी तरीके से जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, और इसी तरीके से जो है वो ESL इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की, सब्स्टिट्यूट टीचर की, लाइब्रेरियन की, प्रिंसिपल की, कैंपस काउंसलर की, और इसी हिसाब से टीचर की, मॉन्टेसरी टीचर की, यहाँ पे डे केयर टीचर की, नैनी मेड वगैरह की, इंग्लिश टीचर की, यहाँ पे मीन्स हर पोजीशन की जो है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मौजूद है। इसी तरीके से अगर ट्रेनिंग की हम बात करें तो IT ट्रेनर की, सेल्स ट्रेनर की, जितने ट्रेनर्स होते हैं उन सब की जो है प्रोफाइल यहाँ पे जो है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी जो है वो यहाँ पे सारी पोजीशंस जो है मौजूद है। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर है तो वहाँ पे क्या क्या पोजीशंस होती है उन सब की भी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ से मिल जाएगी आपको। किसी जगह पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे क्या पोजीशंस होती है उन सब की भी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से हेल्थ केयर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री की सारी पोजीशंस की जो है वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर जो पोजीशंस होती है उनकी मिल जाएगी। इसी तरीके से जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, ह्यूमन रिसोर्स की जो है वो आपको यहाँ पे सारी जो है वो JD से जो है टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो है वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अगर होता है किसी कंपनी के अंदर तो वहाँ पे क्या पोजीशंस होती हैं उनकी मिल जाएगी आपको। मार्केटिंग की जो है वो आपको सारी JDs यहाँ पे अवेलेबल हैं। पब्लिक रिलेशन की, मीडिया की, मीन्स की मीडिया के अंदर आपका आ गया जैसे फिल्म डायरेक्टर हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, वेब एडिटर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, इन सब एनिमेटर हो गया, प्रोडक्शन असिस्टेंट है, मेकअप आर्टिस्ट है, रिपोर्टर है, इन सब कैमरामैन है, इन सब की जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से अगर सेल्स डिपार्टमेंट कहीं है वहाँ पे क्या क्या पोजीशंस होती है उन सब की भी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से रिटेल इंडस्ट्री के अंदर जो जो पोजीशंस होती है वहाँ की भी जो है वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे मिल जाएगी जी। ये थर्ड वेबसाइट है, इसका भी लिंक जो है वो इंशाल्लाह आपको जो है वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 1000 प्लस जो है जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट्स है, और यहाँ पे भी बेसिकली वही जो हमने पिछली जो वेबसाइट पे देखा था कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है जॉब डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे मौजूद है। इसको भी हम इसका भी इंटरफेस देख लेते हैं। यहाँ पे इसका इंटरफेस क्या है, इसका जॉब ओवरव्यू है, इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह बता दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो यहाँ पर आ गई, इस पोजीशन की जो जो रिक्वायरमेंट है, नॉलेज, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें आ गई। इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग की जो है वो 62 जॉब डिस्क्रिप्शन है डिफरेंट जो है वो पोजिशन की, जिसमें पेरोल भी है, अकाउंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, लोन ऑफिसर, पेरोल ऑफिसर, और टैक्स मैनेजर हो गया। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एडमिन मैनेजर, एडमिन असिस्टेंट, एडमिन कोऑर्डिनेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, और डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री क्लर्क हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आ गया, ऑफिस असिस्टेंट आ गया, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आ गया। इन सब की पोजीशन है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई है किसी फील्ड में है तो उससे रिलेटेड जो है 94 जॉब डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की हम बात करते हैं यहाँ पे जो है 18 जॉब डिस्क्रिप्शन जो है मौजूद है। इसी तरीके से कस्टमर सर्विस की अगर कोई फील्ड है तो वहाँ उसकी 32 जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का अगर कोई इंडस्ट्री है तो उससे रिलेटेड जो है वो 75 जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मौजूद है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की 48 जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मौजूद है डिफरेंट। इसी तरीके से जो है वो फाइनेंस की जो है 25 जॉब डिस्क्रिप्शन है। हेल्थ केयर की जो है 37 जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मौजूद है। मीन्स कहने का मतलब आपको सारे टेम्पलेट्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे
जिससे आपको जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। फिर आपको करना बस ये होगा कि मीन्स जो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के हिसाब से जो है उन जॉब डिस्क्रिप्शन को जो है मॉडिफाई करना होगा, उसको अप्रूव करवाना होगा और उसको जो है सिस्टम पे जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। इसी तरीके से हॉस्पिटल इंडस्ट्री की जो है 101 जॉब डिस्क्रिप्शन है, और इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो है 63 जॉब डिस्क्रिप्शन है। पेरोल स्पेशलिस्ट हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया, पेरोल क्लर्क हो गया, एचआर स्पेशलिस्ट, एचआर रिप्रेजेंटेटिव, इन सब की जो है इसके अंदर जो है वो आपको जो है जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आईटी डिपार्टमेंट की सारी यहाँ पे जो है जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसी तरीके से लीगल डिपार्टमेंट की है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है, मीडिया इंडस्ट्री की है, एक्टर की है, एनिमेटर है, आर्ट डायरेक्टर हो गया, कैमरा ऑपरेटर हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, कॉमेडियन हो गया, कास्टिंग डायरेक्टर हो गया, ऑथर हो गया, ऑडियो इंजीनियर हो गया और डायरेक्टर हो गया। इसी तरह इन सब की भी जो है वो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है। म्यूज़िक एडिटर हो गया, न्यूज़ एंकर हो गया, न्यूज़ प्रोड्यूसर हो गया, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो गया और म्यूज़िक डायरेक्टर हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, प्रेजेंटर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, स्टाफ राइटर हो गया, साउंड इंजीनियर हो गया और वीडियोग्राफर हो गया, यूट्यूबर हो गया, वेब एडिटर हो गया, राइटर हो गया, इन सब की है। फार्मास्यूटिकल हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी जो है यहाँ पे जेडी है। रियल इस्टेट से अगर किसी का ताल्लुक है तो वहाँ की सारी पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल है। रिटेल इंडस्ट्री की सेल्स की जो है वो सारी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से अगर कोई सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है तो वहाँ की है, ट्रैवल एंड टूरिज्म की है। कहने वैसे देखिए यहाँ से आपको सारी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, जो कि आपके जो है मीन्स बींग एचआर प्रोफेशनल आपके कैरियर में जो है मीन्स आपका मीन्स काफ़ी आपकी जो है वो हेल्प हो जाएगी और मीन्स की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपके लिए जो है बनाना बहुत आसान हो जाएगा।